रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है द प्रोडक्ट्स दैट वी कंबाइन्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। अगर प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से कंबाइन होकर आपको रिएक्टेंट्स की फॉर्म दें वो कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। सो फर्स्टली मैं सबसे पहले आप लोगों को रिएक्टेंट्स के बारे में बताऊंगी। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट कंबाइन, वो सब्सटेंस जो कि कंबाइन होते हैं, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर प्लस ऑक्सीजन दोनों को हीट अप करें तो हीट प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास फॉर्मेशन जो आती है वो वाटर की आती है। अब यहाँ पे बिफोर रिएक्शन जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो इस्तेमाल की हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो चीज़ केमिकल रिएक्शन के बाद मिली है दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। सो बिफोर रिएक्शन दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और आफ्टर रिएक्शन जो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? द न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस दैट फॉर्म जो कि बनता है दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड वाटर आर कॉल्ड प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस को ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। जैसे अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इसमें यह है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन को जब हमने हीटअप किया, हीटअप करने के बाद हमारे पास आ गया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हमने मजीद हीटअप किया तो हमारे पास ये दोबारा से रिएक्टेंट दोबारा से वापस आ गए। इट मीन्स के प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना दिया। ये प्रोडक्ट यहाँ बना, प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन हुआ, इसने दोबारा से आपको रिएक्टेंट्स प्रोवाइड कर दिए। यही हमारी डेफिनेशन थी, जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन दोबारा से मिलकर जो है वो आपको रिएक्टेंट्स दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयोडीन थी तो यही हमारे पास जो है यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आ गई। अब एक जो है वो है फॉरवर्ड रिएक्शन, सेकेंड वाला जो है वो रिएक्शन कहलाता है रिवर्स रिएक्शन। अब अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइंड फॉर्म में लिखें सो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है इन दोनों के दरमियान, मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो हम इन दोनों रिएक्शन को एक सिंपल एक ही क्वेश्चन में भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन के फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला इसका करैक्टर है इट नेवर गोज टू कम्पलीशन। ये कभी भी रिएक्शन जो है वो कम्प्लीट नहीं होता। मिसाल के तौर पर इसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, फिर वही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाते जाते हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो कभी भी कम्पलीशन की जानिब नहीं जाता। इस रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो के साथ जाहिर करते हैं कि इसमें रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये टू रिएक्शंस का मुश्तमिल होता है। इसका थर्ड करेक्टर ये है कि इसमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन होता है। दोनों टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं और इस वजह से रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इररिवर्सिबल रिएक्शंस। इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? द प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। इररिवर्सिबल में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट दोबारा से कंबाइन होकर रिएक्टेंट बना देते हैं, लेकिन इररिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होते। रिवर्सिबल में हो जाते हैं, इररिवर्सिबल में नहीं होते। मिसाल के तौर पर जब हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ली, इसको जब हमने हीट प्रोवाइड की तो हीट प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट, इररिवर्सिबल रिएक्शन के करैक्टर्स क्या है? दीज रिएक्शंस आर सपोज्ड टू बी कंप्लीट रिएक्शंस। ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है। जब एक दफा वाटर मॉलिक्यूल बन गया, दोबारा से रिएक्टेंट्स फॉर्मेशन नहीं होगी। सो इस वजह से इन रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट रिएक्शंस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिवर्सिबल इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शंस को हम लोग एक ही एरो के साथ जाहिर करते हैं। इसको हम लोग डबल एरो के साथ, इसको एक सिंगल एरो के साथ हम लोग जाहिर करते हैं। ये वाले एरो के साथ हम लोग इसको जाहिर करते हैं, क्योंकि दे आर सच रिएक्शंस दैट आर सपोज्ड टू बी कंप्लीट रिएक्शंस। नेक्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शंस में दो जो फैक्टर्स हो रहे थे, फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रिवर्स रिएक्शंस, अब हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में फॉरवर्ड रिएक्शंस और रिवर्स रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक फ्लास्क की, फ्लास्क जो है उसका ऊपर वाला पोर्शन दैट इज माउथ, वो है हमने उसको कॉर्ड के साथ कम्प्लीटली बंद कर दिया। अब इस फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन है और आयोडीन है। हाइड्रोजन का कलर जो है वो कलरलेस है,
आयोडीन का कलर जो है वो पर्पल है। हमने इसको फ्लास्क में डाला, बर्नर ऑन किया, इसको हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने पर आहिस्ता आहिस्ता जो इसका पर्पल कलर है वो इस पूरी फ्लास्क के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स होता चला जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इसे कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते जाएंगे तो इसका जो हाइड्रोजन का जो कलरलेस कलर था वो पूरा जो है वो आप लोगों का इसमें जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा। इसका आयोडीन का कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हमें इसकी ए इंडिकेशन मिलेगी कि हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कलरलेस है। जब हमने हाइड्रोजन प्लस आयोडीन को हीटअप किया, एक कलरलेस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। वो हमें ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को लिखो, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन दोनों को हमने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया, इट मीन्स कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन दोनों जो है वो आपस में जो है वो कंबाइन हुए हैं। कंबाइन होने के बाद हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन कंबाइन होकर हमारे पास जो रिएक्शन देता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन देता है। अब यही जो प्रोडक्ट है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, जब ये कंबाइन होकर हमें मजीद जो है वो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन देगा वो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन देगा। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन को शो करेगा, ये पहले वाला रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करेगा। अब अगर हम इन दोनों रिएक्शन को एक ही इक्वेशन में लिखें तो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इस ये वाली जो रिएक्शन है वो हमें ये इंडिकेट करी कि सबसे पहले जो है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जो है वो हमें ये इंडिकेट करी, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। जैसे ही हाइड्रोजन प्लस आयोडीन कंबाइन हुए तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की जैसे ही डीकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। सो इट मीन्स कि इसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों तरह से रिएक्शन हो जाएंगे। उसके बाद इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन की सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करना है, हमने इसके लिए एक क्लास लेनी है। क्लास जो है वो सबसे पहले ओपन हो, ओपन क्लास वो होती है जिसमें कोई सी भी रेज जो है वो बाहर या गैसेज जो है वो बाहर इलिमिनेट हो सकती हैं, हमारे एटमोसफेयर में जा सकती हैं। अब इस ओपन क्लास में हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डाला। अब जैसे इसको हमने हीट प्रोवाइड की तो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमोसफेयर में चली जाएगी। ये एरो हेड जो शो करा है कि यहाँ से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिस्पर्स होकर हमारे एटमोसफेयर में चली गई है। क्यों चली गई है, क्योंकि हमारी जो क्लास थी वो हमारी ओपन थी जिसका ऊपर कोई भी कोर नहीं था। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को एक क्लोज क्लास में लें, क्लोज क्लास में क्या होगा कि इसका ऊपर वाला जो माउथ पोर्शन है वो हम कोर के साथ बंद कर देंगे। अभी जैसे हम इसे कोर के साथ बंद कर देंगे तो ये क्या होगा कि इसमें से कोई भी गैसी जो है वो बाहर इलिमिनेट नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है वो दो तरह के रिएक्शन होंगे, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, जैसे पहले हुए थे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। अब किस तरह से होंगे, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो जैसे इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो डिकम्पोजिशन के बाद हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होकर हमारे पास दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा। अब डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन सिंपल आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं सेपरेट इक्वेशन से। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने डिकम्पोज किया, तोड़ा, डिसोसिएट किया, वो कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमोसफेयर में चली गई। अब ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन आई थी, अब अगर हम लोग इसको दोबारा से हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। अब ये डिकम्पोजिशन का रेट बहुत ज्यादा फास्ट होगा और उसके बाद जो है वो कॉम्बिनेशन का रेट ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, निग्लिजिबल होता है। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती चली जाती है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है और कॉम्बिनेशन जो है वो आपस में दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाते हैं। सबसे पहले डिकम्पोजिशन जो है वो फास्ट होगी, कॉम्बिनेशन जो है वो कम होगी, लेकिन जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर आए से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती चली जाएगी और उसके बाद जो है वो हमें एक डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता जाएगा और इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की जानिब जो है वो चला जाएगा। नेक्स्ट जो मेन टर्मिनोलॉजीज है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट वो होती है, इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के और कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो है वो हमें कांस्टेंट हो जाती है। इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। के रेट तो सबसे पहले जो है वो जैसे हमने पढ़ा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा, फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, फिर आहिस्ता से रिएक्शन स्पीड पकड़ेगा और दोनों रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर चले जाएंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के दो एग्जांपल्स हैं, दो टाइप्स हैं, वो है फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट पोजीशन एंड डायनामिक का मतलब होता है एट मोशन। स्टैटिक मतलब साकिन, कोई चीज का साकिन हो जाना।
अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम किया मेन एग्जांपल इसकी ये है कि अगर हम लोग एक बिल्डिंग को देखते हैं तो बिल्डिंग जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे होती है, इसमें इसको चारों तरफ से फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, एग्जर्ट कर रही होती है, लेकिन ये जो है वो अपनी एक ही पोजीशन पर रहती है, ये जो है वो साकिन ही रहती है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम को शो करेगी। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मकान जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को शो करेगा क्योंकि वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा। इसमें रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होगा, बल्कि इसमें रिएक्शन जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये एट रेस्ट पोजीशन पे को इंडिकेट करता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम मोशन को शो कर रही है, तो इसमें रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होगा बल्कि वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव करता जाएगा। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाएंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है